स्वागत बंधन। आज हम श्रेमुषि प्रथमो भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पाठ अष्टम है, लोह तुला लोहे की तराजू पंचतन से कर। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा इसके पहले का जो भाग है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आज उसका थोड़ा अनुवाद और प्रश्न उत्तर के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ किस प्रकार से न्यायाधीश निर्णय करते हैं और जो जिसकी तराजू रहती है उसकी तराजू जिसका बच्चा रहता है उसको बच्चा प्राप्त जाता है। तो ये दरबार है जहाँ पर लोग शिकायत लेकर आते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर में क्या है। सो वदत् किं करोमि पश्यतो मे नदी तटाय शयनेन शिशु अपरः इति तच्छ्रुत्वा ते अवदन् भो भवता सत्यं नाभिहितं किं शयेन शिशुं हर्तुं समर्थो भवति। सो अवदत् भो भो श्रुतां अग्रजः तुला लोह सहस्रस्य यत् खादन्ति मूषका और राजतंत्र हरे क्षेमो बालकं नात्र शयेन ते अप्रक्षण कथमेत सा ततः सा श्रेष्ठी सभ्या नामग्रे अधिकः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत् ततः न्यायाधिकारिणः कारणः विहस्यतौ द्वापि सम्बुध तुला शिशु प्रादानेन तोषी वन्तः। अन्वया राजन् दत्तलो सहस्रस्य तुला मुषिका खादन्ति तत्शयेन बालकं हरेत् अत्र न संशय शब्दा पश्यता देखते देखते तच्छित्वा या सुनकर एतत् आकर्ण अवधन बोले नाभिहितं नहीं कहा गया कथितं है ना सुनिता मैंने सुनी है श्रोण तू मद वचा मेरी बातें मम पाता हरे तेन अपहरण करें अपहरे तथा इसकी बात तत्पश्चात आदिता आरंभ से प्रारंभता निवेद्य निवेदन किया निवेदनम अकरुते तई है उनके द्वारा या उन्होंने न्यायाधीशई विहस्य हंसकर हंसत्वा संबोध्य समझाकर समझा बुझाकर बोध समझाया था आप लोगों को कि जो व्यापारी व व्यापारी पुत्र बोला तो व्यापारी पुत्र क्या करे। मेरे देखते देखते नदी के किनारे से बाज के द्वारा बालक का अपहरण कर लिया। ये आपको मैंने पहले कथा समझाई थी उसी का आखिरी है ये। यह सुनकर भी बोले अरे तुम्हारे द्वारा सच नहीं कहा गया, क्या बाज बालक का अपहरण करने में सक्षम होता है। वह व्यापारी का पुत्र क्या बोला अरे अरे मेरी बातें सुनिए हे राजन, जहां 1000 किलो की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं। कितने किलो की 1000 किलो की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां बाल बालक का अपहरण कर सकता है इसमें संदेह नहीं है। उन्होंने पूछा यह कैसे हो सकता है। इसके बाद उस सेठ ने सभा के लोगों के आगे आरंभ से सारी घटना कह दी। तब न्यायाधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तुला और बच्चा दिलवाकर क्या किया संतुष्ट किया। आप यहाँ देखिए ये है एक पदे उत्तरम लिखा, एक शब्द में उत्तर लिखा। वाणिज्य पुत्र से किम नाम आसी, जो व्यापारी के जो पुत्र था उसका क्या नाम था, तो क्या नाम था जीर्ण धना जीर्ण धना। तुला कई भक्षिता आसी, जो तराजू किनके द्वारा खा ली गई थी तो मूष कई किसके द्वारा मूष कई यानी मूषक के द्वारा। तुला की दृशा की दृश्य आसी, कैसी थी तराजू जो थी तो लोह घटिका यानी लोहे की बनी। पुत्र के तथा इति जीर्ण धना बदती, जो पुत्र किसके द्वारा अपहरण किया गया ऐसा जीर्ण धना बोलता है। तो शयनेन यानी शयनेन किसको कहते हैं बाज को।
बताऊं द्वापी पुत्र गतम, जब विवाह करते हुए वो लोग दोनों पुत्र गतम मैंने कहां गए, तो कहां गए थे राजपुत्र में, राज दरबार में गए। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अधोरिक्ता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा, ये आते हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देशांतरम गंतु निक्षण वाणी के पुत्र किम व्यचिंत्यत, दूसरे देश जाने की इच्छा कर तो व्यापारी के पुत्र ने क्या सोचा। देशांतरम गंतु निक्षण वाणी पुत्रस्य व्यचिंत्यत यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः यः वसेत् पुरुषः धवान्। यानी दूसरे देश जाने की इच्छा करते उसने सोचा कि जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से अब ऐश्वर्यों का भोग किया गया हो, उसी स्थान पर जो मनुष्य धनी होकर रहता है वह निर्लज्ज होता है। ठीक है। स्वातुला याजमानम जीर्ण धनम सृष्टि किम अकथयत, अपनी तराजू मांगने वाले जीर्ण धन से सेठ ने क्या कहा। स्वातुलाम याजमानम जीर्ण धनम सृष्टि अकथयत भो नास्ति सात त्वदीया तुला मुष्कैर मुष्कैर भक्षिता इति, अरे अपनी तराजू मांगने वाले जीवधन से कहा क्या तुम्हारी वो जो तराजू है नहीं है चूहों के द्वारा खा ली गई है। जो क्या बोला सेठ ने, अरे वह तुम्हारी तराजू नहीं है चूहों के द्वारा खा ली गई। जी कहना दी गुहा द्वारम कया आज चाद ग्रह मांगता, जो जीवधन था पर्वत की गुफा के द्वार को किस से ढककर घर आया, तो वो किससे ढककर आया था। जीर्णधना गिरी गुहा द्वारा बृहशिला या शिलिया बृहक्षा आच्छाद्य ग्रह मांगता, वो जो था एक बहुत बड़े मतलब बड़ी शिला से पत्थर से ढककर जीर्ण पर्वत की गुफा के द्वार को बड़ी शिला से ढककर घर आया। स्नान अंतरम पुत्र विषय पुष्टा वाणी वाणी के पुत्र श्रेष्ठम की महोदय, स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर व्यापारी के पुत्र ने सेठ से क्या कहा। तो स्नानांतर पुत्र विषय पृष्ठ वाणी के पुत्र श्रेष्ठ न अवदत भो तब पुत्र नदी तटा सैनेन हृतः इति, स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर व्यापारी के पुत्र ने क्या कहा सेठ से, अरे तुम्हारा पुत्र बाज के द्वारा क्या कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया है ऐसा उसने बोला। धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठ कथम तोषी बनता, जो न्यायकर्ता धर्माधिकारी यानी न्यायकर्ता के द्वारा जीर्ण धन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया, तो धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठ न परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानीन तोषित बनता, जो न्यायकर्ताओं के द्वारा जीन धन और सेठ को आपस में समझा बुझाकर तराजू और बच्चा दिलवाकर संतुष्ट किया। अब यहां पर आता है स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माण करो, आपको मोटे शब्दों के आधार पर स्थूल माने मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। सबसे पहले देखिए दिया है जीर्ण धनः विभव क्षयात् देशांतरम गन्तु निक्षण व्यचिन्त्यत, जो जीर्ण धन ने धन के अभाव के कारण दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए सोचा। अब इसका हमको क्या बनाना है, इसका हमको करना है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, कह क्या आएगा, कह कब विवक्षया देशांतरम गंतु निक्षण व्यचिंत यत, ऐसा आपको पूरा प्रश्न का निर्माण करना पड़ेगा। फिर दिया है किसने धन के अभाव के कारण दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए सोचा, कब माने किसने दिया। ठीक है। अब है स्वेच्छना शिशु स्नानोपकरण मालाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित, प्रस्थिता माने अतिथि का चल दिया, जो श्रेष्ठना शिशु सेठ का जो बच्चा स्नान की सामग्री हाथ में लेकर अतिथि के साथ चल दिया, तो प्रश्न निर्माण क्या बनेगा यहाँ पे, श्रेष्ठना शिशु स्नानोपकरण मादाय के। इस प्रकार से
आपको यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करना है, ठीक है। तो श्रेष्ठ शिशु स्नातु के माने आता है किसके, ठीक, सेठ का जो बच्चा है स्नान की सामग्री हाथ में लेकर किसके साथ चल दिया। आप यहाँ देखिए, वणिका गिरी गुहाम वृक्षस्या आदत आच्छादितवान, यानी जो व्यापारी ने पर्वत की गुफा को बड़े पत्थर से ढक दिया। अब हमें इसका क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमें यहाँ प्रश्न के रूप में क्या आएगा, वणिका गिरी गुहाम कया, कया माने किससे, आच्छादितवान, व्यापारी ने पर्वत की गुफा को किससे ढक दिया। फिर है सभ्य तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानी तोषित बनता, क्या आएगा, सभा के लोगों के द्वारा उन दोनों को आपस में समझा बुझाकर तराजू और बच्चा दिलवाकर संतुष्ट किया। अब इसका हमको क्या करना, प्रश्न निर्माण, क्या आएगा, सभ्य तौ परस्परम संबोध्य, यहाँ पे आएगा कथम तोषित बनता, कथम तोषित बनता, यानी सभा के लोगों के द्वारा उन दोनों को आपस में समझा बुझाकर कैसे संतुष्ट किया, ठीक है। और ये परीक्षाओं में आते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अपूर्ण अन्वय प्रदत्ता पाठ माधत्र तम पूर्यत, यानी जो नीचे लिखे श्लोकों के अपूर्ण अन्वय को दिए गए पाठ के आधार पर उसको पूरा करना है। क्या आएगा, यत्र देशे अथवा स्थाने स्वविधियता भूवा भुक्ता तस्मी विभव हीना यह बसेत सा पुरुषा भाव। फिर दिया है राजन यत्र लोह सहस्त्र तुला तो नाम मुष्टा खादंती तत् शरीर बालकम हरेत अत्र संशयना, ठीक है। आप यहाँ पर प्रश्न एक और दिया है, तत्पदम रेखांकित पूर्यत, उस शब्द को रेखांकित करो, ठीक है। तो ल्यप प्रत्यय नास्ति, यहाँ पर क्या आएगा, विहस्य लो सहस्त्र समुद्ध आधार खा यत द्वितीय विभक्ति नास्ति शेषनम स्नानोपकारणम सत्वरम काय कारणम। फिर है यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, पश्यता स्ववीर्यता श्रेष्ठिना सभ्य सभ्या नाम, ये आएगा। अब यहाँ दिया है संधि नाम संधि विच्छेद रिक्त स्थानी नानी पूर्यत, है ना। अब यहाँ देखिए संधि या संधि विच्छेद के द्वारा रिक्त स्थान को यहाँ क्या आएगा, श्रेष्ठ है श्रेष्ठिधा नाम द्वापि दौधन अपि पुरुषोपार्जिता पुरुष धन उपार्जिता यथेच्छया यथा धन इच्छया स्नानोपकरणम, यानी स्नान धन उपकरणम, क्या है स्नान धन उपकरण। फिर है स्नानार्थम स्नान धन अर्थम, यहाँ पर दिया हुआ है समस्त पद विग्रहम व लिखत, समस्त पद या विग्रह लिखना है। तो यहाँ देखिए स्नानस्य उपकरण, यहाँ पर क्या जाएगा स्नानोपकरणम। फिर दिया है गिरे गुहायाम, तो यहाँ क्या आएगा गिरी गुहायाम धर्मस्य अधिकारी, यहाँ आएगा धर्माधिकारी विभव वेरहीना, यानी विभवहीना। इस प्रकार मैंने आपको जो लोह तुला पाठ है उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको समझाया, आप इसको कॉपी में लिखेंगे याद करेंगे। धन्यवाद।